छत्तीसगढ़ सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 5 दिवसीय जन जागरण पदयात्रा का आयोजन किया जा रहा है। जन जागरण पदयात्रा के माध्यम से बीजेपी कार्यकर्ता व पदाधिकारी दुर्ग जिले के लगभग 39 गांव का दौरा करेंगे। कार्यक्रम की जानकारी से पत्रकारों को अवगत कराते हुए दुर्ग सांसद विजय बघेल ने बैठक के माध्यम से कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की दमनकारी नीति, भ्रष्टाचार, अवैध शराब, जुआ, सट्टा, नकली बीज, किसानों तथा पशुओं की नकली दवाई, सप्लाई माफिया राज, भेदभावपूर्ण राजनीति, अव्यवस्थित कानून व्यवस्था, किसान, मजदूर, अधिकारी, कर्मचारी, महिलाओं तथा युवाओं के साथ वादा खिलाफी के विरोध में जन जागरण पदयात्रा की शुरुआत पाटन क्षेत्र से करते हुए पूरे दुर्ग लोकसभा के विभिन्न विधानसभा में अलग अलग समय में करने का संकल्प भाजपा द्वारा लिया गया है। इसको जब सुविधा होगी सब आएंगे, सभी होंगे और ये यात्रा ऐतिहासिक होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और उपेश के क्षेत्र से ही उनके गांव मिलौदी से उन्हीं का दूसरा गांव समापन होगा और हम उन्हीं के गांव से उनके इस कृत्य के लिए उनको चुनौती देंगे और आने वाला 2023 में सरकार को फाड़ देने के लिए संकल्पित होंगे। और ये यात्रा पूरे लोकसभा में, हर विधानसभा में चलेगी। हम स्टेप बाय स्टेप इसको आगे बढ़ाएंगे, ये मैं आपको